हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी आई होप ऑल ऑल्फिया डूइंग ग्रेट ऑल ऑल्फिया फाइन एंड सेफ एजुगिरी जो चैनल है उसके ऊपर हर आ, रोज नहीं <laughs> मैं आई कनेक्ट मैसेफ ट्यूसडे से लेकर संडे तक हम हर रोज 6 पीएम को क्लास लेते हैं द हिंदू का एनालिसिस तो दिस इज बेसिकली द हिंदू का एनालिसिस राइट द हिंदू के एनालिसिस में द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वी डिस्कस एवरी थिंग राइट तो यस yes, चाहे वो एडिटोरियल्स हों ठीक है ना चाहे वो आर्टिकल्स हो चाहे वो शॉर्ट न्यूज हो जो साइड शा, में दी होती है ठीक है वो सब कुछ डिस्कस किया जाता है नॉ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एजुके का एनालिसिस इज कि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ बैकग्राउंड समझा देती हूँ जैसे यू नो you know, बच्चों को यू नो पेरेंट्स अपने बच्चों को बैठकर एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा ये हुआ था ये हुआ था और फिर अब ये हुआ है बिल्कुल वैसा ही फील आपको आएगा मतलब बिल्कुल ईजी एक्सप्लनेशन होगी ठीक है ना आपको लर्न करवाने की पूरी कोशिश होती है जो रट्टा मारने वाली चीज़ होती है उसको रटवाने की पूरी कोशिश होती है और अंडरस्टैंडिंग और रट्टा ठीक है दोनों चीज़ों से आपका जो है पेपर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो नोट्स बनते हैं ठीक है ना जिससे कि आप रिवाइज कर सको चलिए अटेंडेंस मार्क कर दीजिए कौन कौन है जो रेगुलर है ओके okay, अब जो अटेंडेंस मार्क करेंगे और रेगुलर रहेंगे ना तो देखते हैं आज क्या है ट्वेंटी अप्रैल है अगले ट्वेंटी मई में, में ठीक है एक सरप्राइज होगा अगर आप अटेंडेंस मार्क करोगे मैं देखते तो कौन रेगुलर है ठीक है कॉमेंट्स से रेगुलर जो भी रेगुलर होगा उसके लिए एक सरप्राइज होगा तो अटेंडेंस मार्क करेंगे कॉमेंट्स में अपना नाम लिखेंगे कैसा सेशन है ये बता के जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस सेशन को सब लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन को ऑन कर देना ताकि जैसे ही वीडियो लाइव जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये देख लें वीडियो

हाउ इज द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा सा होता है ऐसा सा कुछ होता है मैं बताती हूँ ठीक है यहां पे यहां पे सिंबल्स होंगे ठीक है यहां पर सिंबल्स होंगे और यहां पे बटन्स होंगे ठीक है ना और यहां पर बटन्स होंगे. होंगे और जिस भी पार्टी को आपने वोट करना है उसके आगे का बटन दबा दीजिए तो अब यहां पे क्या हुआ इलेक्शन हो रहे हैं अभी लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए राइट तो पार्टी इस लोग है वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ये वोटिंग मशीन है ना इसके साथ कोई भी गड़बड़ी कर सकता है ठीक है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस वोटिंग मशीन को इस ई को पता ही नहीं है कि यहाँ पर किसका सिंबल है क्या है ये तो बटन हैं कि जैसे वन बटन अलॉट कर दिया मान लो कॉन्स्टिटुएंसी डेली की मान लेते हैं मान लो रोहिणी की है ठीक है ना एग्जाम्पल वहाँ पर कांग्रेस को सेकेंड बटन मिला हुआ है बीजेपी को सिक्स मिला हुआ है एग्जाम्पल ठीक है ना अब कोई और कॉन्स्टिट्युएंसी है मान लो करकर डूमा ठीक है ना ये मैं दिल्ली की बता रही हूँ ठीक है वन मिला हुआ है बीजेपी को और टू मिला सेवन मिला हुआ है कांग्रेस को ऐसा हो सकता है राइट दिस कैन हैपन तो यहाँ पे वो जो बटन की सेटिंग है वो करते हैं मतलब उसको नहीं पता मशीन को तो पता ही नहीं कि सेवन वो तो बटन दबाओगे तो होगा तो वो कहते हैं कि भाई मशीन को नहीं पता कि पार्टी नेम का कुछ है भी है वो तो मैन्युफैक्चरिंग वो है तो इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैनेसडे कॉल द माइक्रो कंट्रोलर सेपरेटली प्रोग्राम बाय मैनुफैक्चर्स इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एग्नोस्टिक मतलब उनको नहीं पता कि भाई ये पार्टी का कुछ भी है वो तो सिस्टम बनाया हुआ है बटन दबाओगे जिसके आगे जॉन सा बटन दबाओगे उसकी वोट काउंट हो जाएगी ठीक है तो आ, मशीन को नहीं पता कि कौन सा बटन है किसके लिए द टर्म कैन रेफर टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर तो यहां पर माइक्रो कंट्रोलर्स इन द कंट्रोल यूनिट आर एग्नोस्टिक दे डू नॉट रिकोगनाइज पार्टी और कैंडिडेट नेम्स वॉट दे आर द बटन पास प्रेस्ड ऑन द बैलेट यूनिट्स तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई उसको नहीं पता ईवीएम को कांग्रेस बीजेपी आप नहीं पता है तो यहां पे लिखेंगे माइक्रो कंट्रोलर्स लिख लेंगे इसको माइक्रो कंट्रोलर्स माइक्रो कंट्रोलर्स और हाँ एक बच्ची ने ना आ, नाम नहीं मुझे याद किसी ने लिखा हुआ था स्टूडेंट ने ही कि परसों की क्लास में कल की छोड़ के परसों की क्लास में कोई एक टॉपिक था जो पूरा नहीं हुआ उस टॉपिक का नाम बता देना फिर मैं वो पिक कर लूंगी ठीक है ना ओके okay, इतनी हेल्प कर देना भाई टॉपिक का नाम बता देना तो वो करवा दूंगी मैं कंट्रोल यूनिट्स ऑफ ई ऑफ ई आर एग्नोस्टिक मतलब भाई उनको पार्टी सिस्टम के बारे में बता वो तो बस जो बटन दबाओगे उसका एक काउंट कर देगी कि हाँ ये दब ये बटन दबा था इतनी बार दबा था उसके बाद ठीक है ना यहाँ पर क्या है अब हमें क्या है बीजेपी कांग्रेस आप ठीक है ना हम तो ये करेंगे या कोई एक्स वाई जेड और है ठीक है पार्टी नेम है बट मशीन को नहीं पता मशीन के लिए वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बटन है वो बता देगी कि ये थाउजेंड टाइम दबा ये दबा टू थाउजेंड टाइम ये दबा एट थाउजेंड टाइम ये दबा टेन थाउजेंड टाइम बस ये ये इतना बता देगी ये इतना बता देगी उसको मशीन को वोटिंग वो पार्टीज के बारे में नहीं पता एग्नोस्टिक दे डू नॉट एग्नोस्टिक मतलब दे डू नॉट रेकगनाइज डू नॉट रेकगनाइज पार्टी और कैंडिडेट नेम्स What they recognize, what they recognize are the buttons pressed, buttons pressed on the pallet units. कि कौन से बटन्स जो हैं वो प्रेस किए गए हैं वो रेकग्नाइज करती है तो इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई उनको नहीं पता अबाउट द किसके बारे में नहीं पता पार्टीज के बारे में पता सिंपल बस ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला ई वी के बारे में ई वी एम की फुल फॉर्म अच्छा ठीक है एक टेस्ट लेती हूँ मुझे वी वी पैट की फुल फॉर्म चाहिए कॉमेंट्स में ठीक है कॉमेंट्स में ठीक है ये जो आंसर करेगा ये मैं हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी मंथ एंड में एक बताऊंगी कि हाँ ये विनर है ठीक है बीवी पैट की फुल फॉर्म यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने अभी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है वॉट इज रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक यही है वो जिसके पास नोट छापने की मशीन है यस yes, इसी के पास है क्या ना मम्मा घर में कहती है ना बेटा हमारे घर में पेड़ नहीं लगा हुआ पीछे से इनके घर में मशीन लगी हुई है किसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बी के फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेनसडे डायरेक्टेड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड टू सी सीज का मतलब क्या होता है स्टॉप सीज का मतलब क्या होता है स्टॉप एंड डिजिस्ट रुक जाओ एंड डिजिस्ट विद इमिजिएट एक साथ की साथ फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स नए कस्टमर का अकाउंट नहीं खुलवा सकते नए कस्टमर का क्या नहीं खुलवा सकते अकाउंट कौन नहीं से आ, कौन नहीं खुलवा सकता कोटक महिंद्रा बैंक ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आर बी आई डायरेक्टेड 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 कौन सा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा Bank that is Kotak Bank from onboarding from onboarding new customers. नए कस्टमर्स नहीं ऑन बोर्ड करने नहीं नए कस्टमर्स आप नहीं ऐड कर सकते नए अकाउंट्स न्यू कस्टमर्स का नहीं खुलवा सकते तो पुरानों का भी बंद होगा नहीं पुराने जो हैं वो चल पड़ेंगे कस्टमर्स थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड मोबाइल थ्रू ऑनलाइन एंड एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल्स एंड इशूइंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड ठीक है ना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं अकाउंट जो वो ऑनलाइन खुलवाते थे अकाउंट जो वो ऑनलाइन खुलवाते थे और मोबाइल ऐप के थ्रू खुलवाते थे वो बंद किया है और नए क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते ये बंद किया है किसका बंद किया है किसका बंद किया, किया है कोटक महिंद्रा का ठीक है इजी कोई दिक्कत नहीं है कोटक सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनसडे स्टेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर प्रोपोज डैम इन साइड कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहां पे ये क्वेश्चन बनेगा सुप्रीम कोर्ट ने किस डैम की कंस्ट्रक्शन रोक दी बहुत कम चांसेस है ऐसा क्वेश्चन बने क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि कालेसर कालेसर केलसर कालेसर ठीक है ना स्कूल में एक सर है बच्चों ने उनका नाम कालेसर रखा होता है बचपन में होता है ना ऐसे नाम रखते हो तुम लोग जैसे रखने ही चाहिए रंग के ऊपर कालेसर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां पर है हरियाणा में है कहां पर है हरियाणा में है ठीक है ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी क्या कंस्ट्रक्शन हो रही थी शूड नोटिस नोटिस टू सेंटर एंड हरियाणा गवर्नमेंट सीकिंग देयर रिप्लाइज द टॉप कोर्ट नोटेड दैट द डैम्स विल नॉट ओनली बी डिटारमेंटल टू वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन इन कालेसर बट ऑल्सो टू द इको सिस्टम एंड इवन द पर्पज फॉर विच द डैम्स आर प्रपोज वुड नॉट बी अचीव ठीक है ना तो कालेसर डैम जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर प्रपोज फोर प्रपोज डैम्स इनसाइड दैंक्चुरी स्टॉप्ड फॉर नाउ स्टॉप्ड फॉर नाउ बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहां पर है हरियाणा में यमुना नगर में यमुना नगर में छोटा सा लिख लेंगे ठीक है ना वैसे तो स्टेट ही पूछी जाती है ठीक है तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे काले सर कहाँ पर हैं वो हरियाणा गए हैं वो हरियाणा गए हैं वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहां पर ही डैम्स की कंस्ट्रक्शन को रोका गया किसने रोका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रोका है क्या नहीं याद होगा जब लिख लिख के याद रखते हो पत्र, करते हो पता कैसे करना है लिख लिख के कोई याद करते हैं यहाँ पे सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा सा तो ऐसे कर सकते हो जैसे ये लिखना नहीं है जैसे जब याद करो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फटाफट से बोल रहे हरियाणा ठीक है ना डैम्स कंस्ट्रक्शन स्टॉप बाय सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐसा अगर लिख लिख के याद करोगे हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में तुम्हें कुछ भूल जाए उसके बाद इंडिया फर्स्ट किन्नर सरपंच किन्नर एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी ठीक है ना जो हाँ आ, 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 जो ट्रांसजेंडर है ठीक है ना किन्नर समाज से फर्स्ट सरपंच जो है वो लोकसभा इलेक्शंस में भी खड़ी हो रही है बट जो किन्नर समाज की फर्स्ट सरपंच है वो कहाँ पे है वो कहां पर है म, आ, एक मिनट इनका पूरा नाम मिस आ, माजहवर मिस माझवर ही लिखा हुआ है क्या हर जगह हम्म <laughs> मिस माझवर हु क्लेम्स टू बी इंडियाज फर्स्ट सरपंच फ्रॉम द ट्रांसजेंडर और किन्नर कम्युनिटी इज इन द फ्रे एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम दमोल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी अब यहां पर हमें पता होना चाहिए सबसे पहला तो क्वेश्चन जो यहां से बनता है क्या बनता है बताओ फर्स्ट क्या बनता है फर्स्ट बता दो यार क्या है ये फर्स्ट एक मिनट ये ऐसे नहीं आएगा सॉरी इंडियाज फर्स्ट सरपंच फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और किन्नर समाज कौन है मिस माझवर ठीक है ना अब मिस माजवर क्या कर रही है वो खड़ी हो रही है ठीक है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइटिंग इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम दम हो दम हो दम हो वो कह रहे हैं दम हो तो आना दम हो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक है ना ये क्या है ये अपने आप को क्या बोलती है फर्स्ट किन्नर कम्युनिटी से सरपंच क्या नाम है मिस माझवर मिस माझवर ठीक है ना इन कनवारा विलेज इन मध्य प्रदेश ठीक है ना कहाँ पर है सरपंच कनवारा कानवारा विलेज एमपी ठीक है ना कानवारा कानवारा ठीक है ना कवारा ये सही है ठीक है ना कवारा से कानबारा कवारा मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है कवारा बोलते हैं उसको हिंदी में ठीक है तो यहां पर हमें क्या रखना है मिस माजवर वॉर ठीक है ना कह रही आ जाओ माँ वॉर माँ और वॉर ठीक है ना बच्चा और माँ में लड़ाई होती है तो माँ वॉर माज वॉर जो है वो कहाँ से खड़ी हो रही है दामो से लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी से खड़ी हो रही है ये तो ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो अपने आप को क्या बोलते हैं चीज इंडियाज फर्स्ट सरपंच जो किन्नर समाज से आती हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं और वो कहाँ पे हैं कानवाहा कानवारा विलेज एम से हैं सरपंच ठीक है ना और दमोह से जीत रही है जीत नहीं रही है लोकसभा इलेक्शंस लड़ रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब किसी पार्टी के साथ कुछ नहीं है खुद से ही लड़ रही है व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च एन कैप यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम एन कैप की बात करेंगे किसकी बात करेंगे एन कैप की एन कैप क्या है सबसे पहले एन कैप की फुल फॉर्म ठीक है नेशनल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कि पूरे इंडिया में क्या लेकर आएंगे साफ हवा ठीक है ना ये कब आया कब आया ये प्रोग्राम इन 2019 ब्रैकेट में लिख लो लॉन्च लॉन्च Launch कब हुआ टू टू में ठीक है ना अब इसका एम क्या था जिंदगी में ये क्यों लेकर आए हम हम नहीं मतलब सरकार इट वॉज टू कट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमोस्टेयर एक पार्टिकुलर मैटर बाय ट्वेंटी थर्टी परसेंट बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है अब इसका एम क्या था एम क्या था इसका एम क्या था टू कट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू कट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमोस्टफेरिक एटमोस्टफेरिक पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट मैटर बाय ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फ्रॉम ट्वेंटी सेवेंटीन लेवल्स ठीक है ना कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं अब पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं कोई मुझे बता सकता है पी भी बोलते हैं जिसको पी भी बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बेटा पार्टिकुलर मैटर मतलब इतने छोटे मैटर्स होते हैं ये हमको दिखते भी नहीं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं इनको कम करना इन्होंने एम सेट किया था किसके थ्रू नेशनल क्लीन प्रोग एयर प्रोग्राम एन कैप एंड कैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू ठीक है ना ट्वेंटी नाइन्टीन में लॉन्च किया था ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट इन्होंने बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पार्टिकुलेट मैटर कम करना था एज कंपेयर टू ट्वेंटी सेवेंटीन अब इन्होंने अपना एम चेंज कर दिया ठीक है ना पहले लड़के को क्या बनना था आई एएस ऑफिसर फिर कहता नहीं मेरे को आई एस ऑफिसर नहीं बनना मैं कुछ और बनूंगा ठीक है ना तो लेटर वैसे इन्होंने भी अपना एम रिवाइज कर दिया लेटर रिवाइज टू फोर्टी परसेंट बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स वो कहते कि फोर्टी परसेंट कम कर देंगे हम बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स पहले लड़के को आई एस बनना था फिर कहता मैं इंडन फॉरन सर्विस में रहूंगा आई एस छोड़ो ठीक है ना एम ऊपर सेट कर लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है कब तक कितना कम करेंगे अंडर एन कैपसिटीज कॉन्टिन्यूअसली वायोलेटिंग एनुअल पी एम लेवल्स इन इंडिया नीड टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट एनुअल क्लीन एयर एक्शन प्लान्स ठीक है ना जिनका जो पार्टिकुलेट मैटर का लेवल है वो आए आए दिन कम होता रहता है जैसे कि न्यू दिल्ली जैसे कि दिल्ली ठीक है ना तो उनको क्या करना है उनको एक प्लान बनाना है कि जब ऐसा हो जाएगा तो हम ये ये करेंगे तो एनकैप सिटीज को क्या करना होता है एन कैप सिटीज कॉन्टिन्यूसली कौन से हैं जो कॉन्टिन्यूसली वायलेट करते हैं वायलेटिंग एनुअल पीएम लेवल्स एनुअल मतलब ईयरली एनुअल पीएम लेवल्स इन इंडिया क्या करना होता है इनको नीड टू प्रिपेयर नीड टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट सिर्फ बना के नहीं बैठ जाना है ठीक है एंड इम्प्लीमेंट एनुअल क्लीन एयर एक्शंस एक्शन प्लान कैप ठीक है ना इनको कैप बनाना होता है इनको क्या करना होता है एन कैप से एक और कैप मतलब क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाना होता है और उसको इंप्लीमेंट करना होता है अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है मिनिस्ट्री इनको खूब पैसा दे रही है पर कोई लगा ही नहीं रहा है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पैसा इतना पैसा अलोकेट करती है इनको बट सिक्सटी परसेंट ऑफ एलोकेटेड फंड्स जो हैं जो पैसा वो ऐसे ही पड़ा रहता है विशाखापट्टनम और बेंगलुरु ने कुछ भी यूज नहीं किया है ये प्रॉब्लम है फंड्स तो अलॉट हो रहे हैं बट ये यूज ही नहीं करते हैं तो हम लिख लेते हैं कि फंड्स कौन अलाट करता है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एलोकेट्स फंड्स एलोकेट्स फंड्स अब यहाँ पर जितने भी ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है कि सिटीज जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं करें प्लान बना लिया बट इंप्लीमेंट नहीं करें सिक्सटी परसेंट ऑफ फंड्स जो हैं वो फालतू में पड़े हैं विशाखापट्टनम बेंगलुरु ने जीरो परसेंट फंड यूज करे हैं फंड्स ही नहीं यूज कर रहे हैं अगर फंड्स नहीं यूज करें मतलब इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो एन कैप ये है ठीक है इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है सबसे पहले एन कैप की फुल फॉर्म एन कैप की फुल फॉर्म क्या क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म पूछ सकते हैं हमसे और क्या पूछेंगे एम क्या है कौन से साल तक कितना कम करना है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी था ना मैं भी भूल गई सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स सॉरी सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स सॉरी सॉरी मुझे ट्वेंटी फोर्टी हाँ मैं भी भूल जाती हूँ रट्टा मरवाना है ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स मतलब आज से कितने दो साल बाद तक का एम डाल दिया कि चालीस परसेंट कम करेंगे एज कंपेयर टू ट्वेंटी लेवल्स ठीक है ना एन कैप सिटीज को क्या करना होता है इनको प्लान बनाना होता है और उसको इंप्लीमेंट करना होता है इनको पैसा कौन सी मिनिस्ट्री दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ठीक है ये क्वेश्चन बनते हैं चलो आगे चले चलो अब ना बिना देखे बताओ एन कैप की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से इन द कॉमेंट्स बता दो ठीक है ना क्लीन एयर प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सही बोला मैंने सही बोला ऐसे याद करना है टेस्टिंग करनी है अपनी अब ये बात करें ई आई और एस एस ए स्टडीज की ई आई और एस ए स्टडीज क्या है ई आई प्रोवाइड इन साइट लोकल पॉल्यूशन सोर्सेस की भाई पॉल्यूशन आ कहाँ से रहा है ठीक है ना तो यहां पर हम लिखेंगे ई आई एंड एस ए स्टडीज ठीक है ना तो हमारा जो ई आई है वो क्या बताता है ई आई क्या बताता है ई आई ओ नहीं ई आई ओ इनसाइट प्रोवाइड इन टू लोकल पॉल्यूशन सोर्सेस, ठीक है ना कि लोकल में एक सिटी में कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है ताकि कंट्रोल कर सके एस SI आई जो है एस SI आई जो है एस ए नॉट एस आई एस ए जो है ये हमें बताता है एनालाइसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस पॉल्यूशन सोर्सेज इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड अफार एनालाइसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस पॉल्यूशन सोर्सेज इंक्लूडिंग दोस्ट अफार देखो अब यहाँ पर ये यह बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनेगा अगर आता है तो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो लिख लो डिफिकल्ट अगर क्विक रिविजन मार रहे हो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो यहां पर पर क्लैट वालों के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है बाकी सब डिफिकल्ट लिख लो ठीक है ना चाहे क्रॉस मार दो प्रोवाइड्स इंसाइट्स ऑन इनटू लोकल पॉल्यूशन सोर्सेज की लोकल में कौन कौन पॉल्यूशन दे रहा है ऐसे बताते हैं दूर से भी कौन दूर से कौन पॉल्यूशन दे रहा है अब दिल्ली में लोकली कौन पॉल्यूशन कर रहा है फैक्ट्रीज और ये सब दूर से बता सकते हैं हरियाणा यूपी से कहां से पॉल्यूशन आ रहा है ठीक है कौन बताएगा वो सा बताएगा सास बताएगी बेटा दूर के कौन से रिश्तेदार की रिस्पेक्ट करनी और कौन से की नहीं करनी वॉय वॉज द बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर्ड विनर इन सूरत देखो बताओ प्रधानमंत्री चुना नहीं गया बट सूरत से कैंडिडेट पक्के हो गए हैं ठीक है कैसे हुए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है द बजेपी इज कैंडिडेट फ्रॉम सूरत लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी इन गुजरात हैज बीन डिक्लेर्ड इलेक्टेड अन अ पोस्ट कोई इलेक्शन नहीं लड़ा इनके अगेंस्ट दिस फॉलोज द रिडेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द कैंडिडेट सेटअप बाय कांग्रेस नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं उसकी रिजेक्शन हो गई कैसे रिजेक्शन हुई सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 आरपी एक्ट कंटेन्स द रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड नॉमिनेशन एज पर आरपी एक्ट एन इलेक्टर अबव ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज कैन कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया अब यहाँ पे हम स्टोरी क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं स्टोरी कि सूरत का जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो जीत गया क्योंकि कोई और कैंडिडेट उस जगह से आया नहीं बट वो कैसे हुआ क्योंकि कांग्रेस के जो आ, जो नेता थे उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया तो यहां पर हम लिखेंगे बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम सूरत बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम सूरत डिक्लेयर इलेक्टेड अन अ पोस्ट मुझे ऐसी है, मतलब प्रधानमंत्री नहीं चुने गए पर इनकी जीत पक्की हो गई ठीक है अब पर नहीं नहीं केस वेस होगा देखना यहाँ पर हाँ इनको जाना पड़ेगा वकील के पास शायद ऐसे थोड़ा ना जान देगी कांग्रेस सीट चलो अब यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सेक्शन क्या है सेक्शन थर्टी थ्री है कौन सा सेक्शन सेक्शन थर्टी थ्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन ये क्या कहता है रिक्वायरमेंट्स कंटेंस कंटेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड नॉमिनेशन कि नॉमिनेशन वैलिड कब मानी जाएगी नॉमिनेशन मतलब नामकर कि हाँ भैया मैं इस जगह से लड़ूंगा वो नॉमिनेशन वैलिड कब माना जाता है ये कहाँ पर दिया हुआ है तीन तीन में तीन को तो वैसे लक्की अनलक्की मानते हैं मेरे लिए बहुत लक्की है पर ठीक है थ्री 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 थर्टी थ्री ठीक है तीन तीन में दिया हुआ है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन में ठीक है अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दी हुई है ये सेक्शन पूछ सकते हैं कौन से सेक्शन में दी हुई है अब ये कहता क्या है ये सेक्शन कहता है एन इलेक्टर ठीक है ना आर पी एक्ट कहता है इलेक्टर अबव ये लिख लेते हैं हम ठीक है ना अब यहाँ पे ये देता है तो एन इलेक्टर अबव एन इलेक्टर अबव 25 इयर्स मतलब उसके पास वोटर कार्ड वगैरह वहां से होना चाहिए 25 इयर्स ऑफ एज कैन कंटेस्ट कैन कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम एनी कॉन्स्टिटुएंसी फ्रॉम एनी कॉन्स्टिटुएंसी इन इंडिया कहीं से भी ठीक है ना सी इन इंडिया ठीक है ना तो मतलब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें कितने ऊपर होना ट्वेंटी फाइव ईयर से ऊपर का होना चाहिए ठीक है ना वो कह रहे हैं पहले 21 साल तक घर घर गर गृहस्थी संभालो 21 से 25 फिर 25 की उम्र में इलेक्शन लड़ो ठीक है तो 21 इज योर शादी की एज लड़कों की ठीक है उसमें चार साल ऐड कर दो 25 वो तुम्हारी लोकसभा लड़ने की एज आ जाती है ठीक है और किसी भी कॉन्स्टिटुएंसी से इलेक्शन जो है वो लड़े जा सकते हैं इसका मतलब अगर तुम दिल्ली से नहीं हो पर तुमको दिल्ली से इलेक्शन लड़ना है तुम लड़ सकते हो हाँ या ना बिल्कुल उन्होंने कोई रोक तो नहीं लगाई है ठीक है अब यहां पे द प्रोपोजल्स ऑफ द कैंडिडेट शुड हावर बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव मतलब वोटर आईडी वगैरह होना चाहिए इन केस ऑफ रिकोगगनाइज पार्टी नेशनल और स्टेट द कैंडिडेट नीड टू हैव वन प्रोपोजल अब यहां पर प्रोपोजल ठीक है ना वो प्रोपोजल मतलब वो अपने लगाएगा अंगूठा कि हाँ ठीक है कर दो इसको इन केस ऑफ रेकग्नाइज पार्टी इन केस ऑफ ये मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लिख रहे हो गए इन केस ऑफ रेकगनाइज पार्टी इन केस ऑफ रेकग्नाइज्ड पार्टी नेशनल और स्टेट वन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड कैंडिडेट नीड्स वन कैंडिडेट नीड्स वन प्रपोजल एक ही प्रपोजल काफी है ठीक है ना बट जो इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है या अनरेकोग्नाइज पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट अनरेकोगनाइज और इंडिपेंडेंट उसको दस प्रपोजर लेकर आने पड़ेंगे दस प्रपोजर लेकर आने पड़ेंगे उसको ठीक है ना उसके बाद अ कैंडिडेट कैन फाइल अप टू फोर नॉमिनेशन पेपर एक कैंडिडेट वन कैंडिडेट कैन फाइल अप टू फोर नॉमिनेशन पेपर ठीक है एक खराब हो गया दूसरा भर दो दूसरा खराब हो गया, तीसरा भर दो तीसरा, भर दो, तीसरा भी खराब हो गया, चौथा भर दो चौथे के बाद बाय टाटा ठीक है ना अब यहां पर सेक्शन थर्टी सिक्स ऑफ आर पी एक्ट सेट्स आउट द लॉ अब ये रिजेक्ट कैसे हो सकता है ना प्रपोजल कर रहे हैं प्रपोज कर रहे हैं कि भैया हमको हमको तुमसे शादी करनी है लड़का है लड़की रिजेक्ट भी को तो कर सकता है वैसे ही जो ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन वाला वो रिजेक्ट भी तो कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर तो यहां पे सेक्शन 36 सिक्स ऑफ आरपी एक्ट बताता है कैसे रिजेक्ट हो सकता है ऑफ आर एक्ट ये किसके बारे में लेज डाउन लॉ विद रिगार्ड टू ूटिनी मतलब चेकिंग कैसे करनी है क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय रिटर्निंग ऑफिसर तो जो आर है नहीं नहीं बेटा वो पानी वाला आर नहीं ये इलेक्शन कमीशन वाला आर है ठीक है ना ये कब रिजेक्ट कर सकता है कोई मामूली सी बात हो तो रिजेक्ट नहीं कर सकता ठीक है ना शैल नॉट इन इसने क्या लिखा हो शैल नॉट लॉ के अंदर जहां पे शैल नॉट आ गया मतलब नहीं करना अगर करा तो देख लेना शैल नॉट रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन फॉर अ डिफेक्ट फॉर अ डिफेक्ट दैट इज नॉट ऑफ अ अब्स्टेंशियल करेक्टर ठीक है अब यहां पे मतलब अगर कोई ऐसे मेजर डिफेक्ट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे यहां पे साइन नहीं करने थे इधर होता है ना ऑब्जेक्शन लगाता है नहीं लगा सकता आरओ को बोलेंगे तुम अपने उसमें रहो इट स्पेसिफाइज दैट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और प्रपोजर फाउंड नॉट जेन्युअन इज ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ये इंपॉर्टेंट है इट स्पेसिफाइज इसको डिफरेंट रंग से लिख लो स्पेसिफाइज दैट सिग्नेचर दैट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट और प्रपोजल फाउंड नॉट जेनुन जेनुन इज ग्राउंड फॉर रिजेक्शन मतलब ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर सिग्नेचर जेनुन नहीं हुआ मतलब सही ना लग रहे हो सिग्नेचर में कोई दिक्कत हो तो रिजेक्ट हो सकता है ये थर्टी सिक्स क्या करता है कि जो नॉमिनेशन पेपर की करेक्ट हाउ टू चेक नॉमिनेशन पेपर लिख लो हाउ टू चेक नॉमिनेशन पेपर ये बताता है ये ठीक है ना वो क्या था थ्री थ्री ये है थ्री सिक्स थ्री इंटू टू सिक्स होता है थ्री 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 में क्या बताया बताओ इन द कॉमेंट सेक्शन चार्ट सेक्शन में थ्री थ्री में क्या बताया क्या बताया बता कि भैया वैलिड नॉमिनेशन कब होगी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड नॉमिनेशन बताइए ठीक है तो अब इनके सिग्नेचर जो हैं इन द प्रेजेंट केस द कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी फॉर द सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी निलेश कुंभानी हैड फाइल्ड थ्री सेट्स ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स द प्रपोजल फॉर दीज थ्री नॉमिनेशन पेपर्स वर हिज ब्रदर इन लॉ नेफ्यू बट वहां पे क्या हुआ टी एन अ ऑल प्रपोजल्स आर नॉट जेन्युइन मिस्टर ऑब्जेक्शन आई कि जो सिग्नेचर है ना वो जेन्युइन नहीं है द आर ओ ऑल्सो रिसिव्ड एफिडेविट्स फ्रॉम द प्रपोजल्स क्लेमिंग दैट दे हैड नॉट साइन द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ द कैंडिडेट ठीक है ना तो यहाँ पर आर ओ ऑ ऑल्सो रिसीव एफिडेविट्स फ्रॉम द प्रपोजर प्रपोजर्स ने भी बोला कि हमने तो भाई ये सिग्नेचर नहीं करे हैं ये सिग्नेचर ही नकली हैं सॉर्ट रिप्लाई और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विदिन अ डे ऑन द ऑब्जेक्शन रेस्ड एज द प्रोपोजल्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस बिफोर द आर ओ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर स्क्रूटनी ऑल three sets were rejected. अब यहाँ पर क्या हुआ Nomination paper में जो प्रपोजल होते हैं हमने क्या पढ़ा था रेकग्नाइज पार्टी का एक प्रपोजर चाहिए ठीक है ना अब इसने तीन नॉमिनेशन फाइल करे तीनों में अलग अलग प्रपोजर फाइल हुए तीनों ने प्रोपो एफिडेविट लिखकर दे दिया कि भैया ये हमारे सिग्नेचर नहीं है ये झूठ बोल रहा है और जब उसको कहा कि चल तू ले आ हम वेरीफाई करेंगे वो लेकर नहीं आ पाया तो ए, और कोई कैंडिडेट वहां से खड़ा नहीं हुआ तो जीत गए बीजेपी के कैंडिडेट हाउ एवर इट इज अनलाइकली दैट ई सी वुड एक्ट ऑन दिस रिक्वेस्ट अब यहाँ पर ठीक है ना तो ये जीत गए सूरत के कैंडिडेट बीजेपी के कैसे जीत गए ये प्रोसेस जरूरी है याद रखना अब यहां पर अगर चैलेंज करना दिस इज अ पी वाई क्यू दिस इज अ पी वाई क्यू क्या कि अगर चैलेंज करना है इलेक्शन प्रोसेस को तो आर्टिकल आर्टिकल थ्री ट्वेंटी नाइन क्लॉज बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन Read with, what the uh, uh, People's Act be represent RP Act provides that no election shall be called into question except by an election petition, election ka case. इलेक्शन पिटिशन बिफोर कंसर्नड हाईकोर्ट बिफोर कंसर्न हाईकोर्ट इसका मतलब कि केस कहां पर फाइल हो सकता है जो हाईकोर्ट है वहां पर तो यहां पर गुजरात हाईकोर्ट में हो सकता है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ना तो ये स्टोरी है तो ये स्टोरी है ठीक है आगे समझ कॉमेंट कर दो इन द चार्ट सेक्शन नाओ पिटीशन वॉज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनस्डे फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन टू इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट ईच इंस्टेंट ऑफ क्यूड प्रो क्यो करप्शन अब यहाँ पे देखो यार यहाँ पर हमें क्या समझना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे जल्दी से बता दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे ये अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है किसने सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट फटाफट से जजमेंट का नाम बता दो जिसको नहीं पता वो ढूंढ कर लेकर आएगा जब ढूंढोगे ना मेहनत करोगे अपने आप याद आएगी ठीक है अब यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ ये लिखना नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहले समझ लो तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकती थी और कह सकती थी हमको इतना दान देना है हमको लाख रुपए देना है हमको करोड़ देना है हमको थाउजेंड जितना भी है वो बॉन्ड ले सकती थी और वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी मुझे या तो मैं नहीं दे सकती थी किसको दे सकती थी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी दे सकता था ठीक है ना और ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि कितना पैसा किसने दिया किसको दिया ये सब अनॉनमस रहता है अनॉनमस का मतलब क्या होता है सीक्रेट पता ही नहीं चलता सुप्रीम कोर्ट कहते तो बहुत ही गलत है भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और एस को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि तुम डाटा निकालो तुम हमें दो डाटा कि कितना क्या ट्रांजेक्शन हुई है ट्वेंटी नाइन्टीन से तो डाटा में पता चला कि भैया बहुत बहुत दान गया हुआ है हर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारियों को ठीक है ना तो अब यहाँ पर कोई गया है सुप्रीम कोर्ट और वो कोई का नाम बहुत जरूरी है कौन गया है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गया है केस फाइल करा है कि क्या बनाया जाए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो ये करप्शन हुई है उसको देखा जाए ठीक है तो यहां पर किसने किसने केस फाइल किया है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय Filed case for constituting a special investigation team sit to investigate corruption. That has been revealed through disclosure of details. ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो इलेक्टोर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल क्या कहा है अब यहाँ पे आपको तीन नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है ना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो डिटेल्स आई हैं उसके में जो करप्शन करी है पार्टीज ने उसके रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन करे कहां पे गई हैं सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल केस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू इन्वेस्टिगेट करप्शन दैट हैज बीन रिवील्ड थ्रू डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट केस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ठीक है जी कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर अगर है तो बता दो इन द कॉमेंट्स ठीक है तो ये है ओके okay, बस ये है हमको सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याद रखना है नो फॉरेस्ट और एनिमल्स विल बी लेफ्ट इफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है एलिफेंट आ गया ह्यूमन के सामने ठीक है ना भाई ह्यूमंस के एरिया में आए ह्यूमन ने गोली मार दिया कुछ ऐसा सा कर दिया मतलब कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है ठीक है ना अब वो वो कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो भैया फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेलेस ये वॉन्ट दैट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पोज अ थ्रेट टू पोज अ डेंजर टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अ बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक विद विच टेक्स केयर ऑफ वो कह रहे हैं दोनों का बैलेंस एक स्ट्रक करना पड़ेगा ठीक है ना तो यहाँ पे पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्वेश्चन बनेगा जैसे हमने कालासर कालेसर कालेसर सेंचुरी कहां पे है मेरी स्टोरी बेटा तुमको याद आएंगी पेपर में ठीक है हाँ बता रही हूं मैं तो पोबित पोबी तोरा ठीक है ना तो मम्मी ने बेटा आज क्या सब्जी बनाई है गोभी और तोरी ठीक है ना तोरई गोभी और तोरी तो ट्रिक क्या है क्या है गोभी तोरी ठीक है ना गोभी तोरी तो गोभी तोरा जो है ये कहां पर है असम की सेंचुरी असम में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ना अब इसकी मार्किंग में कुछ दिक्कत हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा नहीं कि सब कुछ तुम ही ले जाओ द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन केम वाइल हियरिंग अ केस विद रिगार्ड टू दिस शेड्यूल का शेड्यूल ट्राई बैकवर्ड कम्युनिटीज हु रिजाइड विद इन द सेंचुरी द आसाम गवर्नमेंट समिटेड दैट इट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल कमिटी वो सब कुछ करेंगे हमको याद क्या रखना है गोभी तोरा जिसका जहाँ पर पी हो जाएगा और ए को रिप्लेस कर देंगे तो पोबी तोरा बन जाएगा ये कहाँ पर है आसाम में ये हमने पहले भी कवर करा है उसके बाद द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑन वेनस्डे बैक द यूज विड्रॉल फ्रॉम एन इंटरनेशनल एनर्जी ट्रीटी ओवर कंसर्न इट ऑफर्स टू मच प्रोटेक्शन ऑफ टू फॉसिल फ्यूल कंपनीज फॉसिल फ्यूल कंपनीज कौन सी होती हैं विच आर फॉसिल फ्यूल कंपनीज फॉसिल फ्यूल बेटा जो ये होता है ना हमारा पेट्रोल डीजल कोल ये फॉसिल फ्यूल है ठीक है ना एक बार जलाओ खत्म हो जाए इसको नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं कि एक बार यूज करो और खत्म अब नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमको खत्म करने हैं या रखने हैं वर्ल्ड में से हमको खत्म करने हैं तो ईयू कहता है यूरोपियन पार्लियामेंट कहती भाई ये तो उनको सपोर्ट करें तो इसलिए हम नींद का साथ देंगे ठीक है तो यहां पे लिख लेते किसने क्या किया यूरोपियन पार्लियामेंट बैग्ड EU's that is European Union's withdrawal. Kethe jo European Union ne kya will say hai. jo withdraw kiya hai from an international energy treaty over concerns it offers too much protection. फॉसल फ्यूल कंपनी जो फॉसल फ्यूल कंपनीज है उनको दे आर प्रोटेक्ट दे आर प्रोवाइडिंग टू मच प्रोटेक्शन इसलिए यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने कहा कि ये सही है ठीक है ना अब आगे चलेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स एंड लॉन्ग रेंज ए टी ए सी एम एस मिसाइल टू यूक्रेन ठीक है ना किसने भेजी है यूनाइटेड स्टेट्स ने भेजी है ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए सेंट लॉन्ग रेंज ए टी एम सी एस मिसाइल्स टू यूक्रेन किसको भेजी है यूक्रेन को किसने भेजी है किसको भेजे किसने अब ए टी एम सी एस क्या है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम क्या है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम है ठीक है ना बहुत दूर तक जाती है रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग आर्मी कैन रॉकेट्स की नहीं है ठीक है ना बहुत रेंज लॉन्ग होती है कौन सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन है ठीक है ना तो अब यहाँ पे ये किसको कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर यूएसए ये यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है क्या है ए टी ए एम सी एस किस लिए यूक्रेन रशिया की वॉर जो चल रही है उसके अंदर ये यूज करेगा ठीक है चलो द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आई सी सी ऑन वेनेसडे नेम जो स्प्रिंट लेजेंड एंड एट टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसैन बोल्ट ये हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन है और हलवा क्वेश्चन है बेटा हलवा यहीं पर याद हो जाएगा उसैन बोल्ट का नाम किसको याद नहीं है ठीक है तुम्हें तो नहीं याद तो तुम तो ऐसे याद कर लो यू सेंट ठीक है ना तो ये बन गया यूसैन यू सेंट तुम सेंट हो ठीक है ना तुम बोलते नहीं हो ठीक है ना यू सेंट बोलते नहीं याद हो गया वैसे तो उस बोल्ट का नाम सुना होना चाहिए नहीं सुना तो ऐसे याद करोगे तो ये क्या है अब से इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट काउंसिल आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के बारे में बात है ये ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अंबेसडर हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अंबेसडर हैं ठीक है ना तो यहां पर जमाइका से हैं ये जमाइकन प्रिंट लेजेंड एंड ए टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हुसैन बोल्ट अम्बेसडर अम्बेसडर ऑफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप बेटा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है वेस्टइंडीज और यूएसए में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज ठीक है आईसीसी मेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आई ये पूरा लिख लो यहां पर आईसीसी सी मेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ठीक है जी हुसैन बोल्ट यूसैन तो बोलते नहीं हो गया याद हुसैन बोल्ट चलो आगे चलेंगे आगे चलेंगे एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कहां पर आंध्र प्रदेश में उससे पता चला है कि गलती किसकी है ठीक है गलती किसकी एरर इन ट्रेन वर्किंग और ये ट्रेन वर्किंग का जो एरर था वो रोका जा सकता था अगर जो लोकोमोटिव पायलट था ट्रेन का पायलट था ट्रेन का ड्राइवर था वो ध्यान रखता ठीक है जो उसके साथ बैठा हुआ था वो ब्रेक के मार देता तो एक्सीडेंट नहीं होता जो विश विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्मैश इन विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर ठीक है ना तो ये पता चला है इसको नोट नहीं करने की जरूरत द ग्लोबल इकोनमी हैज अवॉइडेड द स्पेक्टर ऑफ डेबिलिएटिंग रिसेशन विद आई एम एफ लास्ट वीक रेजिंग इट्स फोरकास्ट तो आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्या कहा है कि भैया वर्ल्ड जो है ना बढ़िया ग्रो करने वाला है तो अपना जो फोरकास्ट है ग्लोबल ग्रोथ का उन्होंने वो चेंज कर दिया है तो आई एम एफ क्या कह रहा है फोरकास्ट फॉर फोरकास्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड ग्रोथ इन 2024 कितना ना कर दिया टू थ्री पॉइंट टू परसेंट फ्रॉम टू पॉइंट नाइन परसेंट जो इन्होंने 2023 में प्रोजेक्ट करा था उससे कह रहे हैं कि 3.2 परसेंट ग्रोथ होगा वर्ल्ड बढ़िया कर रहा है ठीक है वर्ल्ड बढ़िया कर रहा है तो गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कल सिक्स पी एम पे जरूर आना एंड येस मार्क योर अटेंडेंस इन द कॉमेंट्स जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पूछे हैं उनका आंसर जरूर कर कर जाना एंड ऑल्सो डू विजिट आर वेबसाइट लॉगिरी डॉट इन यू यू जी आज पक्का पक्का लॉन्च हो रहा है गाइज पता क्या है बस क्वेश्चन बनाते बनाते लीगल स्टडीज के ओ हो मतलब एंड टाइप्ड हैं ये तो बिल्कुल मैंने टाइप करे हैं तो यस वो टाइम लग गया तो यस इसमें जनरल टेस्ट भी होगा ठीक है ना आ, आपका लीगल स्टडीज भी होगा ठीक है एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा तो ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट क्या थर्टी पेपर्स मिलने वाले हैं ठीक है तो मॉक टेस्ट जो है लॉन्च वीडियो आ जाएगा लॉगिरी की यूट्यूब चैनल पर आई जी फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो एट टाइम लॉगिरी वहाँ पर भी आपको कूपन कोड मिल जाएगा ठीक है एंड यस वन शॉर्ट्स खरीदने हैं वो खरीद सकते हो एम भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स के वो खरीद सकते हैं मॉक टेस्ट दूसरे भी अवेलेबल है लॉगरी डॉट इन चेक कर लेना दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एजुकेटी साइनिंग ऑफ एल सी सुपरसून टुमॉर बाइक एंड टेक केयर